हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में ब्रांड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ब्रांड, उसमें हम ब्रांडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या है इसका मतलब। ब्रांड कैन बी डिफाइंड can be defined as a name, term, sign, symbol, or design, or combination of them. Intended to identify the goods or services of one seller or group of seller and differentiate them from those of competitors. Okay. तो ये क्या है, डेफिनेशन है। ब्रांड कैन बी डिफाइंड एज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम। तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होते हैं, उनमें से कुछ लोकल होते हैं, कुछ ब्रांडेड होते हैं, जिसपे कुछ ना कोई लोगो, कोई ना कोई साइन बना होता है, कोई पिक्चर बनी होती है। तो वो क्या है, ब्रांड है। ब्रांड का यूज करके वो कंपनीज क्या कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रही हैं। तो होता क्या है ब्रांड, तो ब्रांड क्या है, ब्रांड कुछ भी हो सकता है, कोई नेम है। ओके, किसी कंपनी ने कोई नेम यूज़ करा, या कोई साइन यूज़ करा, या कोई सिंबल यूज़ करा, कोई डिज़ाइन उसने अपना बनवाया, उसको एज अ ब्रांड वो यूज़ कर रही है, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, कि भाई कोई नेम भी है और साथ के साथ कुछ डिज़ाइन भी बना हुआ है, तो ये क्या है, ब्रांड है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ देम इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज। ब्रांड कैन हेल्प, विद द हेल्प ऑफ ब्रांड वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द गुड्स ऑफ फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो जो ब्रांडेड गुड्स हैं उनका क्या होता है, अपनी एक अलग प्रेजेंस होती है मार्केट में, एक अपनी अलग विजिबिलिटी होती है। जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, अगर उनमें से हम ब्रांडेड गुड्स की बात करें तो वो हम एकदम से ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उस पर ब्रांड लगा हुआ है। ठीक है, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं तो उनमें एक ब्रांडेड प्रोडक्ट अलग अलग ही रिकग्नाइज होगा, आइडेंटिफेबल होगा कस्टमर्स को। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन सेलर और अ ग्रुप ऑफ सेलर। ठीक है, एंड डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। यानी कि ब्रांड क्या कर रहा है, ब्रांड आपको डिफरेंशिएट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा है, एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स से आपको डिफरेंशिएट कर रहा है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सभी अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब ब्रांड क्या कर रहा है, ब्रांड आपको क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है मार्केट में। मार्केट में आपकी एक अलग पोजीशन है, आपकी एक अलग गुडविल है, आपकी एक अलग रेपुटेशन है। किसकी वजह से, ब्रांड की वजह से, क्योंकि कस्टमर आपको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि आप जो भी क्वालिटेटिव या ब्रांडेड गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, तो वो क्या है, ब्रांडिंग है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ देम विच इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर, डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, अ ब्रांड इज अ सिंबल, अ मार्क, नेम, एक्ट एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग की। तो ब्रांडिंग भी क्या है, एज अ कम्युनिकेशन काम कर रही है। ब्रांड बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करता है अपने कस्टमर को, जो भी उसके जो टारगेट कस्टमर होते हैं। ठीक है,
टू ब्रिंग अबाउट आइडेंटिटी ऑफ गिवन प्रोडक्ट. ब्रांड इज अ प्रोडक्ट इमेज, अ क्वांटिटी, अ वैल्यू, अ पर्सनैलिटी. ओके, आगे डिस्कस करते हैं ब्रांडिंग क्या है. ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड fixing the means of identification. It is nothing but naming the product, like naming a child. Products are children of manufacturers. Unlike human being, products are not brought into the world by accident. There is a conscious decision to give birth. Once a product shape, it needs an identity. That is the form of brand, and recognizing it is branding. Okay? Branding is endowing product and services with the power of brand. Branding can be applied virtually by anywhere a consumer has a choice. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ब्रांडिंग के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांडिंग, फर्स्ट वन जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज बिल्डिंग ट्रस्ट. This would mean in calculating a high degree of willingness among customers. View the brand as a reliable because it performs what is promise. अगर हम ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो मतलब हमने बहुत सारी चीजें वहां पे क्या कर दी, प्रोमिस कर दी अपने कस्टमर के साथ कि भाई हम क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम जो भी एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके चलेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं. तो जो ब्रांड है, ब्रांड का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, बिल्डिंग ट्रस्ट है. आप कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्डअप करना चाहते हो, रिफॉर्म करना चाहते हो, इसके लिए ब्रांडिंग आप यूज कर रहे हो. ठीक है, ब्रांड आपका क्या है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. अगर हम कस्टमर को ब्रांड लगा के प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी चीजें वहां पे कम्युनिकेट कर दी है. ओके, और उन सब चीजों को हमें प्रॉपरली, उन सब जो भी हम कह रहे हैं उनको प्रॉपरली अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाना भी है. तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. वी आर मेकिंग लॉयल्टी बिल्डअप कर रहे हैं हम कस्टमर की. लॉयल कस्टमर डेवलप अ हाई डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ ब्रांड एंड दिस बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर. और जिससे हम अपने कस्टमर के साथ और रिलेशनशिप को और ज्यादा बिल्डअप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ब्रांडिंग का, बिल्डिंग ट्रस्ट. उसके बाद स्टूडेंट सेकेंड वन है बिल्डिंग कंसिस्टेंसी. ओके, This refers to an absence of any variation. That is, brand will deliver consistently what is promised over a time. ठीक है, यानी कि जो भी आप चीजें प्रोवाइड कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी है. इनकंसिस्टेंसी लीड टू अनसर्टेनिटी अमंग कंज्यूमर्स एंड अनसर्टेनिटी कैन इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. गुड ब्रांड्स मेंटेन कंसिस्टेंसी इन देयर परफॉर्मेंस ओवर अ टाइम.
विनिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड मेकिंग द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ आपने अपने कस्टमर के साथ प्रॉमिस करी तो उसको आप किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए फॉलो कर रहे हो, उसके बाद वो सारी चीज़ें क्या हैं फिनिश हो गई। तो जो भी आप सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो वही चीज़ हम सेकेंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, बिल्डिंग कंसिस्टेंसी। थर्ड वन है कंपनी कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिवनेस। कंपनी कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिवनेस, दिस रिक्वायर कंपनी कस्टमर्स फोकस्ड अप्रोच। गुड ब्रांड कंपनीज रिस्पॉन्ड टू कस्टमर कंप्लेंट इंक्वायरीज क्विकली एंड सिंसियरली। द कस्टमर्स कैन रिलाय ऑन देयर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू हेल्प देयर कस्टमर्स। ओके, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपनी कमिटमेंट टू रिस्पॉन्सिवनेस, कि भाई कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इंक्वायरीज हैं, कितना आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, किस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो ये भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है ब्रांडिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोकस अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं कि यू हैव टू टेक अ फोकस ऑन कस्टमर ईच एंड एवरी थिंग्स, चाहे वो उसकी कंप्लेंट है, इंक्वायरी है या फिर कोई फीडबैक है। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे है एफिनिटी एंड आइडेंटिटी। स्ट्रॉन्ग कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप फॉर्म व्हेन कंज्यूमर डेवलप एन एफिनिटी एंड आर एबल टू आइडेंटिफाई विद द ब्रांड द मार्केटर्स। दे रिलेट इजिली विद अदर पर्सन्स हु यूज सेम ब्रांड। द नेचर ऑफ कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप कैन बी सोशल, ओके, फ्रेंडलीनेस, लेजर। सो दिस इज द टॉपिक ब्रांडिंग, ब्रांड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रांड। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।